हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजी माई ट्रिप की। यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आ चुका है और आप देख सकते हैं 24 मई 2024 का डेट है। इजी माई ट्रिप डॉट कॉम यहाँ पे, यानी अगर हम बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है। कंपनी ने यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं देती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो रिजल्ट्स की, Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कैसा दिया है कंपनी ने, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रिजल्ट्स पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं टोटल नंबर्स इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक नंबर घटा के बात करेंगे, 137 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम करती हुई नजर आई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 115 करोड़ का किया था और पिछले क्वार्टर में बात करें तो 133 करोड़ का किया था। तो टोटल इनकम में एक तरह से जंप आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे। अगर यहाँ पे खर्चे की बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे 77 करोड़ का खर्चा हुआ है कंपनी का, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 65 करोड़ का हुआ था, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 65 करोड़ का हुआ था। तो यहाँ पे पिछले साल भी 65 करोड़, पिछले क्वार्टर भी 65 करोड़, यहाँ पे इस बार एक्सपेंसेस बढ़ गया 77 करोड़ का यहाँ पे टोटल खर्चा हुआ है। टैक्स के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी का जो एक तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 72 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है, जो एक बड़ा लॉस यहाँ पे है। तो कंपनी का 12 करोड़ का यहाँ पे कुल मिला के लॉस होता हुआ नजर आया है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 9 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आया कंपनी का। तो कुल मिला के यहाँ पे कंपनी का एक तरह से लॉस है, जो यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस है उसकी वजह से रेफर नोट 9 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। वो लॉस क्या है, रेफर नोट 9 अगर हम जाएं और देखें यहाँ पे नोट 9 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट में आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या है जो अपडेट जिसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस हुआ था। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल लॉस ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। तो एडवांसेस टू सप्लायर्स, रिटर्न ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, रिटर्न ऑफ एक्सेप्शनल लॉस, करेंट टैक्स बेनिफिट ऑन एबव, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के 54 करोड़ का यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल लॉस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल जो नेट ऑफ टैक्स अगर हम बात करें, तो ऐसे 72 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है। तो यहाँ पे जो लॉसेस है वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखें एक्सेप्शनल आइटम पार्टेन, यहाँ पे टू रिटर्न ऑफ द अमाउंट ऑफ रिकवरेबल फ्रॉम द गो एयरलाइंस, यहाँ पे इंडिया लिमिटेड करके देखने को मिल रहा है जो रिकवरेबल होगा। और एक तरह से कंपनी एसेस चेंजेस ऑफ रिकवरी आर द रिमोट एंड पेंडिंग डिस्प्यूट सोल्यूशन प्रोसीड इन द एयरलाइन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली ब्रांच। तो यहाँ पे एक तरह से जो एक तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिला ये लॉस है, जो एक्चुअल में लॉस हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे लॉस पोस्ट करना पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये था Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों।